नमस्ते दोस्तों, आपने शायद नहीं सोचा होगा कि हमारे छोटे से पड़ोसी देश बांग्लादेश ने दुनिया में कई क्षेत्रों में पहचान बनाई है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि कई मामलों में बांग्लादेश दुनिया में चमक रहा है। उनमें से सबसे उल्लेखनीय क्षेत्र वर्तमान में जिसमें बांग्लादेश ने विश्व मानचित्र पर दूसरा स्थान प्राप्त किया वो इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये स्वीकार करना होगा कि बांग्लादेश अब दुनिया में कपड़ा राज कर रहा है। आज के वीडियो में हम बांग्लादेश के टेक्सटाइल या गारमेंट्स इंडस्ट्री के इस अभूतपूर्व विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल का बहुत पुराना इंडस्ट्री है। इवन ब्रिटिश काल में हमने इस इंडस्ट्री का गौरव खो दिया था, लेकिन अब स्वतंत्र देश बांग्लादेश इस इंडस्ट्री के गौरव को वापस ला रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में इस देश को सुनार बांग्ला कहा जाता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 2022 में पूरी दुनिया में $35.81 बिलियन के कपड़े का एक्सपोर्ट किया गया। आपको ये सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि दुनिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब साफ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया में चीन के रैंक है 1, बांग्लादेश की रैंक है 2। लेकिन एक बात कहना बेहतर है कि अगर कपड़ों की क्वालिटी को कंसीडर किया जाए, कपड़ों की सिलाई का क्वालिटी कंसीडर किया जाए, तो चीन बांग्लादेश से सैकड़ों मील दूर है। दूसरे शब्दों में कपड़ा और सिलाई के क्वालिटी के मामले में बांग्लादेश दुनिया के बाकी हिस्सों से आगे है। कई लोगों की ये जानकर हैरानी होती है कि जिस देश को 50 साल पहले ही आजादी मिली थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लीड कर रहा है। आप जानना चाहते होंगे कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाई, तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए इसका पता लगाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप जाने, चैनल के सब्सक्राइब की संख्या पर एक नजर डालें और इसे बढ़ाने के लिए कुछ करें ताकि हम आपको इस तरह के और वीडियो देने के लिए मोटिवेशन पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक सब्सक्राइब हो गया, तब शुरू करें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से बंगाल यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल कई शताब्दियों तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत एडवांस थे। यहां तक कि ब्रिटिश शासन के शुरुआत में इंटीग्रल बंगाल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लीडिंग रोल निभाए। बाद में जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए तो अंग्रेजों ने इस देश में ऐसी दमनकारी नीति अपनाए जिससे ब्रिटिश शासन के दौरान ये इंडस्ट्री बंगाल बिल्कुल नीचे तक आ गया। फिर 1947 में देश की आज़ादी के बाद पूर्वी बंगाल या पश्चिम बंगाल में किसी ने भी इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा। लेकिन 1971 में आज़ादी मिलने के बाद बांग्लादेश ने इस इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि इन्होंने आज़ादी के बाद से कोशिश की है, लेकिन बांग्लादेश का ये विकास 10 से 20 वर्षों के भीतर हुआ है। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की इम्पोर्टेंट कार्रवाई के परिणाम स्वरूप आज बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नंबर 2 की स्थिति में पहुंच गया है। जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उल्लेख किया जाता है तो सबसे पहले आने वाले व्यक्ति का नाम है नूरुल कादर खान, जो स्वतंत्र बांग्लादेश सरकार के सचिव थे। अपने दूरदर्शिता के कारण वो समझ गए कि फ्यूचर में बांग्लादेश के मैक्सिमम लोग बेरोजगारी के शिकार होंगे। ये सोचकर उन्होंने फौरन कुछ फैसले लिए जिसका फायदा आज बांग्लादेश महसूस कर रहा है। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए 1978 में 130 स्कॉलर्स को साउथ कोरिया भेजा, मूल रूप से रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इन 130 स्टूडेंट्स को बांग्लादेश लौटने के बाद उनमें से मैक्सिमम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शामिल हो गए और उन्होंने बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स को विदेशों में कैसे एक्सपोर्ट किया जाए इस पर काम करना शुरू किया। नूरुल कादिर खान ने 1982 में देश गारमेंट्स नामक एक कंपनी की स्थापना की जिससे बांग्लादेशी कपड़े विदेशों में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होने लगे। यदि हम 1980 की अवधि को देखें तो हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने विदेशों में केवल $3.5 मिलियन के कपड़े को एक्सपोर्ट किया, लेकिन 2007 में ये आंकड़ा बढ़कर $10.7 बिलियन हो गया और अब 2022 वर्ष तक $35.81 बिलियन
बांग्लादेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए अगर 2025 में 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेशी शेख हसीना सरकार का इंडस्ट्रियल सपोर्ट पॉलिसीज के साथ साथ बांग्लादेश के आम लोगों की कड़ी मेहनत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि वो बांग्लादेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विश्व मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान बनाने के लिए समान हिस्सेदार या समान प्रयास किया गया है। आज बांग्लादेश में 5000 से भी अधिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहां लगभग 1 करोड़ लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रूप से इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज अगर बांग्लादेश की इस चौंका देने वाली विकास का पहला कारण नूरुल कादिर खान की दूरदर्शिता है, तो दूसरा कारण बांग्लादेश की लो पेड स्किल्ड वर्कर्स है। हम जानते हैं कि बांग्लादेश मूल रूप से एक गरीब देश है और इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही बहुत कम लागत पर कपड़े बनाने की कोशिश, और जब वो कपड़ा विदेश जाता है तो कम कीमत की अच्छी क्वालिटी का सामान विदेशी लोग द्वारा जल्द ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वास्तव में बहुत कम मजदूरी पर बांग्लादेश की बेस्ट क्वालिटी वाले सिलाई ने आज बांग्लादेश को दुनिया में गारमेंट्स का राजा बना दिया है। हालांकि शेख हसीना की मौजूदा सरकार ने कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी कई श्रमिकों को जोड़ने और रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार ने अलग अलग समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गरीब लोगों को इंसेंटिव दिया है, और खासकर कोरोना महामारी के दौरान इस इंसेंटिव ने इस इंडस्ट्री को बचा लिया। इस सरकारी इंसेंटिव के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश सरकार इनडायरेक्ट रूप से जीडीपी और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को नौकरी मिल रही है, आमदनी हो रही है और बेरोजगारी कम हो रही है। इस इंडस्ट्री में बांग्लादेश के दाव का तीसरा कारण है बांग्लादेश अपने देश में उत्पादित वस्त्रों को एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार बनाने में सक्षम रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप बांग्लादेश की सबसे बड़ी मार्केट है। बांग्लादेश के कई एंटरप्रेन्योर्स ने बरसों से यूरोप और अमेरिका में रहकर इसे आज का एक्सपोर्ट लैंड बना लिया है। बेशक यूरोप और अमेरिका के अलावा वर्तमान में भारत और चीन भी बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में कपड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि भारत और चीन के अंतरराष्ट्रीय बाजार को बढ़ाने में बांग्लादेश सरकार की सीधी भूमिका है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की कूटनीतिक रणनीति, दो देश आपस में लड़ रहे भारत और जो एक ही समय में चीन के साथ दोस्ती बनाए रखने में कामयाब रही है, और इस अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में बांग्लादेश की वर्तमान दूरदर्शी शेख हसीना द्वारा किया गया फोर्थ कार्य है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट 2.4 गीगावाट की क्षमता वाला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे बांग्लादेश के पाबना जिले के रूपपुर नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी पहली यूनिट 2023 में बिजली पैदा करना शुरू कर देगी। ये पावर प्लांट रूसिया के रोसाटम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। यदि ये थर्मल पावर प्लांट इस साल पावर जनरेशन करना शुरू कर देता है तो ये बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रदान करेगा, जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। साथ ही पांचवा कारण ये भी है कि बांग्लादेश की एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। खास तौर पर जब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में कोई नई तकनीक आई है तो बांग्लादेश ने बिना समय बर्बाद किए उसे अपना लिया है, और इन सभी नई तकनीकों को अपनाने के लिए पैसे की कमी ना हो इसके लिए बांग्लादेश की मौजूदा हसीना सरकार और बांग्लादेश की सरकारी बैंक हमेशा उद्योगपतियों के साथ खड़े रहे हैं। 6th पॉइंट के रूप में बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना इम्पोर्टेंस देती है इसे तब समझा गया जब वियतनाम बांग्लादेश को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। बिना समय गवाए हसीना सरकार ने तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और बहुत तेज गति से सरकार की नीति में बदलाव किया, और जिसका परिणाम अगले साल 2021 में बांग्लादेश एक बार फिर वियतनाम को हटाकर दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया। बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आज इस टॉप लेवल पर पहुंचने के और भी कई कारण हैं। बांग्लादेश ने पिछले 15-20 सालों की कड़ी मेहनत से आज अपनी इंडस्ट्री को इस मुकाम पर पहुंचवाया है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर बांग्लादेश को एक स्थिर सरकार मिले फिर
2025 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। बांग्लादेश की इस अभूतपूर्व विकास को देखते हुए भारत सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कई नीतियों को अपनाया है, जिसके बारे में हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। और उसी वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।